फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, कल बहुत मसरूफ थी मैं, और बकरा आया हुआ है नीचे, तो ऊपर जाती हूँ फिर नीचे आती हूँ, तो यही मसरूफियत चल रही है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। कल गैप हो गया था मेरे व्लॉग में। और आज है ट्यूसडे और स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे का व्लॉग। और अभी हो गई है शाम और मेरे साथ रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या बनाया है और बाहर का मौसम कैसा है। गर्मी है, सर्दी है, धूप है या बारिश वाला मौसम है। तो कल मैं व्लॉग भी बना सकी थी और आज मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया अपना व्लॉग बनाना। तो बस आज है ट्यूसडे और एज यूजली मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कि टाइम क्या हो रहा है। इस वक्त हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इस वक्त शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। सबसे पहले तो मौसम देखते हैं। पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो। देखते हैं कि शाम के टाइम रोडों पर कितना रश हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं इस टाइम रोड, बस बाइकें जारी होती हैं, गाड़ियों का रश बहुत कम होता है क्योंकि ऑफिसेज वगैरह की छुट्टी नहीं हुई होती। और बिल्कुल सन्नाटा और सुनसान रोड हो रहा होता है। मौसम भी कुछ सही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है कराची में, लेकिन अभी भी मौसम बस नॉर्मल ही चल रहा है। इतना ज़्यादा कभी कभी तो बहुत गर्मी हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो ये रही हमारी रोड और इसका ट्रैफिक शाम के 7 बजे। ये हाल है ट्रैफिक का कि रोडें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। क्योंकि रोडें खाली क्यों पड़ी हुई हैं, क्योंकि सब डर लगे हुए हैं अपने बकरों में, गाय में। तो बस सब अपने गाय और बकरों में लगे हुए हैं, जिस वजह से जो है वो रोडें खाली हैं। कोई अपने बकरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब बैठे हैं अपने गाय बकरों के पास, तो कोई मार्केट नहीं जा रहा, कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहा। इस वजह से जो रोड्स हैं ना वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। ये देखिए मेरे पैनी है। तो मैं आज अपना खाना दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। आज मैंने बनाए हैं वाइट राइस एंड आज मैंने बनाए हुए हैं चने की दाल। नज़र आ रही है आपको जी, तो ये बनी हुई है चने की दाल और चिकन। चिकन के साथ मैंने चने की दाल बनाई हुई है। यहाँ पर बने हुए हैं वाइट राइस, वाइट राइस बने हुए हैं मेरे बहुत मज़े के, यम्मी से वाइट राइस बने हैं। चने की दाल, वाइट राइस देख सकते हैं आप। चने की दाल, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है यूट्यूब शॉर्ट में, वो भी देखिएगा। यूट्यूब शॉर्ट पे मैंने इस चने की दाल की रेसिपी लगाई हुई है, वो लाजमी जाके मेरे यूट्यूब शॉर्ट पे देखिएगा। और बहुत मज़े की और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी दाल है। मैंने अभी खाना खाया है थोड़ी देर पहले और बहुत मज़े की मैंने आज चने की दाल और चिकन बनाया है। सिर्फ चने की दाल और चिकन कैसे बन सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है इसके साथ लवाजमात ना हो। तो यहाँ पर बनी हुई है हमारी सॉल्टेड ग्रीन चिली, सॉल्टेड ग्रीन चिली बनी हुई है हमारे इसके साथ। तो इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट पर शेयर की है, वो भी जाके देखिएगा। तो यहाँ पर बनी हुई है सॉल्टेड ग्रीन चिली। चने की दाल को और मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए, और ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके साथ सैलड ना हो, तो इसके साथ सैलड भी बनी हुई है। मैं उसको सैलड भी खाती हूँ। ये बनी हुई है चने की दाल के साथ सैलड। हमारे घर में ना कोई सैलड के बगैर खाना नहीं खाता। ये ऐसे हो जाता है कि बिना कपड़ों पे अगर लेस ना लगी हुई हो ना, तो कपड़े अच्छे नहीं लगते। और अगर खाने के साथ अगर सैलड ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता। ये बना हुआ हमारा सैलड।
बस ये छोटा सा व्लॉग है मेरा आज शाम का, और आज मैंने बनाई हुई चने की दाल, वाइट राइस, और बस बकरा आया हुआ है नीचे तो बच्चे बकरे में ही लगे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए ऊपर आते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। बकरा ईद तक जो है बच्चों की बस यही एक्टिविटी है, वो बहुत खुश होते हैं गाय बकरों के साथ और बहुत लगाव जाता है उनको, बहुत प्यार हो जाता है। लेकिन जब गाय बकरे चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कल वेडनेसडे है, कल वेट कीजिएगा कि मैं कल क्या बनाऊंगी, और शाम के व्लॉग के साथ मेरे साथ रहिएगा। आपको मेरा व्लॉग अच्छा आया तो कर दें सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।